I am Sukumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. Today I am going to discuss about the use of was and were. ये हो गया was, W-A-S, was, और were, W-A-R-E. Was और were का अलग अलग था, थे, थी, थो, इत्यादि था, थे, थी, थो, इत्यादि. Was and were. अब ये देखिए was और were. वास का मतलब हम लोग जानते ही था थे कि वास कहाँ पर इस्तेमाल होता है. वास जहाँ पर सिंगुलर इंडिकेशन है, एस आई एन जी यू एल ए आर. सिंगुलर मतलब एक वचन एक का बोध होता हो या एक समूह में बोध होता हो, मतलब एक फ्लूइड का बोध होता हो, वहां पर हम लोग वास का इस्तेमाल करते हैं. और जहां पर एक से ज्यादा या प्लुरल डब्ल्यू ए आर ए, एक से ज्यादा वस्तु व्यक्ति या चीजों का इस्तेमाल होता हो या उसके बारे में बताना हो, वहां इस्तेमाल करते हैं वर का. एक महत्वपूर्ण बात कि बच्चे तो बच्चे, स्टूडेंट तो स्टूडेंट, कॉम्पिटिशन के स्टूडेंट तो स्टूडेंट, बल्कि यहाँ के जो नामी ग्रामीण पब्लिक स्कूल के टीचर भी है, इसको बोलते हैं वेयर. आज दिमाग में फिट कर दिए हैं वेयर, और मास्टर वो बोलता है वेयर. इसका उच्चारण है सही वर. बच्चे को इतना बार गलत पढ़ा पढ़ा के, इतना बार गलत पढ़ा पढ़ा के बच्चे का दिमाग में इतना सेट कर दिया गया है कि जब बच्चे को समझाया जाता है कि बच्चा बेटा ये वेयर नहीं है, ये वर उच्चारण है, तो बच्चा कहता क्या सर आप नहीं जानते हैं. और जब बच्चा और टीचर जब उसको समझाया जाता है उसके हित के लिए, तो बच्चा को लगता है बुरा, और फिर बच्चा को समझाने के लिए बच्चा मानने के लिए तैयार नहीं होता है. और बच्चा सोचता है ये मास्टर गलत पढ़ा रहा है, ये नहीं जानता है, क्योंकि हमारा स्कूल का मास्टर सब बोला इसको वेयर. हमारा बहुत बड़ा स्कूल है, वो मास्टर बोलता है वेयर, अरे छोटा मास्टर बोलता है वर. तो बच्चा को समझाना पड़ता है, गूगल बाबा खोलना पड़ता है, गूगल में निकाल के निकालना पड़ता है कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर, और गूगल में निकालिए, और तब बच्चा सुनता है कान में, तब उसका कंफ्यूजन होता है, क्योंकि बच्चा भी आज जानता है, आजकल बच्चा भी गूगल को मानता है कि गूगल बाबा बहुत बड़ा टीचर है, हमारे स्कूल के टीचर से बड़ा टीचर है गूगल बाबा, और गूगल बाबा का बात मानना चाहिए. और जब गूगल में उच्चारण मिलता है वर, तो बच्चा इसको मानते हैं वर. तो कहने का मतलब है इसका उच्चारण है सही वर. और इस बात को मैं हाईलाइट इसलिए कर दिया कि यहां तक शायद ही मतलब लगभग 99.99% बच्चे टीचर लोग सभी से गलत उच्चारण करते हैं वेर. वेर नहीं, इसका उच्चारण है वर. दोनों का मतलब हो गया वाज, और वाज का मतलब हो गया था थे थी. लेकिन वर का इस्तेमाल कहां पर था में होगा, तो वर का इस्तेमाल होगा प्लूरल में, पी एल यू आर ए एन, प्लूरल बहुवचन एक से ज्यादा. मान लिया जाए जैसे देखिए वाज का उदाहरण होगा एक के साथ, और वर का उच्चारण सकता है जहां दो ठोरे, तीन ठोरे, चार ठोरे, पांच ठोरे, मतलब दो से ज्यादा रहेगा वहां पर उच्चारण होगा वर का. अब इसका हम लोग और भी इसका इस्तेमाल देखते हैं कैसे. जैसे मैं क्या था, गरीब था, या मैं एक स्टूडेंट था, कुछ भी हो सकता है. एग्जाम्पल, मैं गरीब था, आई वॉज पुअर. मैं गरीब था, तुम अमीर थे. नहीं तुम अभी नहीं, तुम बाद में वाद वर वाला चलिए बना ही रहते, तुम नहीं, इसको पहले वाद वाला क्लियर कर लेते हैं. राइट, आई वॉज पुअर हो गया. जैसे वह तैयार था, तो ही वॉज रेडी, आर ए डी वाई. से वर बॉयज, ही वो वाई एस, दे वर बॉयज. वे लोग लड़के थे, वे लोग टीचर थे, दे वर टीचर, सी ए सी एच ई आर. तो इस प्रकार का वाज और वर का इस्तेमाल होता था थे थी के संदर्भ में, भूतकाल के संदर्भ में, जो बात जीत गया हो उसी के संदर्भ में इस्तेमाल होता है वाज और वर का. हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है इसका, और भी विभिन्न प्रकार से इसका इस्तेमाल होता है, जो हम लोग आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, और जब आपका सेंस डेवलप होगा तो समझ में आएगा. तो सब इसका चार्ट हम लोग बनाते हैं, इसका चार्ट देखिए कैसे इस्तेमाल होगा. ये चार्ट भी दिमाग में आप रख लीजिएगा याद, ये चार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है. जैसे आई के साथ, वी के साथ, उसके बाद यू के साथ तुम. देखिए ये आई हो गया, मैं के साथ लगेगा या वाज, और हम लोग जो है वाज वर का इस्तेमाल हम लोग सीख रहे हैं, वाज वर का इस्तेमाल हम लोग जो है सीख रहे हैं. तो ये हो गया हमारा पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन हो गया, ये सेकंड पर्सन हो गया, ये थर्ड पर्सन हो गया, ये सिंगुलर हो गया, और ये हो गया
प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, तो यू आई के साथ क्या लगेगा, वाज, मैं के साथ वाज लगेगा हमेशा, वी हम लोग के साथ लगेगा, वी वर डब्ल्यू आर ई वी के साथ वार लगता है, यू के साथ भी वार लगेगा, और फिर तुम आपके साथ वार लगेगा, और तुम लोग आप लोग के साथ वर लगने वाला है। थर्ड पर्सन में जैसे जितना भी ही सी इट राम इत्यादि जितना भी है ना, इसके साथ सबके साथ लगने वाला है, वाक मतलब था, वाक लगेगा। और जो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है ते हो गया, या द बॉयज द गर्ल्स, इस प्रकार कुछ भी है, इनके सारे सबके साथ डब्ल्यू आर लगेगा। तो दुनिया में जितने भी सिंगुलर हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर उसके साथ लगेगा वाद, और दुनिया में बाद बाकी जितने भी है सबके साथ प्लूरल के साथ थर्ड पर्सन जितने भी प्लूरल नंबर है उसके साथ लगेगा वार, आई के साथ वाद, और वी के साथ वार, और यू के साथ वार, और यू के साथ वार। तो दिमाग में स्ट्रक्चर बिठा लें, यू दोनों ही कंडीशन में सेकेंड पर्सन चाहे वो सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, दोनों ही कंडीशन में लगने वाला है वार। तो दुनिया में कोई भी प्रकार का इसमें एग्जाम्पल हो सकता है, तो इस एग्जाम्पल के आधार पर बनाए, जैसे एग्जाम्पल ले लिए, मान लिया हमसे पूछिए ना, जैसे कि तुम वहां पर थे तो यू आर देयर, मैं वहां पर था आई वॉज देयर, वे लोग वहां पर थे दे वर देयर, साधु लोग वहां पर थे सेंट्स वर देयर, चाचा लोग वहां पर थे अंकल्स वर देयर, टीचर्स लोग वहां पर थे टीचर्स वर देयर, कुछ भी हो सकता है, नेता लोग वहां पर थे द मिनिस्टर्स वर देयर, बाबा जी वहां पर थे द सेंट वॉज देयर, खिलाड़ी वहां पर था या खिलाड़ी वहां पर था द प्लेयर वॉज देयर, खिलाड़ी लोग वहां पर थे द प्लेयर्स वर देयर, तो कुछ भी हो सकता है। आप दिमाग में स्ट्रक्चर में बैठाइए और बनाइए, आप पूछिए 100, 200, 500 रैंडमली कहीं से भी कुछ ही पूछिए, पूरा किताब पूरा ग्रामर में कहीं से भी कुछ पूछिए, मैं उसे मुखस्थ ही बताऊंगा, उसे मुंह से ही बता दूंगा, उसे किताब देखने का जरूरत नहीं है। तो इस तरह से पढ़ना है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, पढ़ाई वैसा पढ़ो जो क्या करे वो रंग लाए, काम ऐसा कर जाओ कि पहाड़ को भी चीर कर, और उसको पहाड़ों को भी चीर कर उसमें दर्रा बना दो, और पहाड़ों में भी सुराख कर दो, और पढ़ाओ पहाड़ों से भी रास्ता निकाल लो, मंजिल पहाड़ों से भी चीर कर अपने मंजिल को प्राप्त करो। तो पढ़ाई में जो दम होना चाहिए, तो पढ़ाई में वो कैपेसिटी है कि कुछ भी किया जा सकता है। एजुकेशन इज अ पावरफुल टूल्स बाय विच एनीथिंग कैन बी अचीव्ड इन दिस वर्ल्ड, इंस्टेड ऑफ एक्सेप्शनल समथिंग। थैंक यू वेरी मच इन दिस वीडियो, दैट्स ऑल। स्टिल डिड नॉट सब्सक्राइब our YouTube channel, please subscribe our YouTube channel and share chance link to other students, share chance link to other students of your home, so that also those students, also those boys and girls in your home can get the benefit from our video and can be educated, because they will get the world class education from my channel, from my video, while living in remote area, while living in Georgia. Thank you very much in this topics, and you can get all types of the topics, all types of the videos, pertaining to all types of the subjects. If you have any problem in any subject, then must comment or in comment section in these topics you would like to have the get the video. And I would like to, as far as it is possible, I will try to give the video making by the help of YouTube, and you will get the benefit from this. Thank you very much in these topics. I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of ATS Center. Thank you very much. Jai Hind. Good night.